बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन फुल्कियाँ, जो कि शाम के चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, और इसके अलावा दही बड़ों में भी इसका इस्तेमाल दही बड़ों को मज़ेदार टेस्टी बना देता है। तो इसका हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हम मैदा लेंगे 1 कप, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ऑयल 3 चम्मच खाने के, और पानी रिक्वायर के हिसाब से। चलिए अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, फिर नमक ऐड करेंगे, इसमें इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल डाल के इसको इस तरह आपने हाथों से मसलते जाना है, ताकि ऑयल इसमें अब्जर्व हो जाए। ऑयल इसमें अब्जर्व हो चुका है, देखें इस तरह। अब इसमें 1/3 हमने बेकिंग पाउडर की डाल देनी है, उसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसमें। मैदा तैयार हो चुका है। अब अपने हैंड पे लाइट सा ऑयल लगाएं और अच्छी तरह मेथी भी लगा दें। इसको रुमाल से थाम के और 30 मिनट्स के बाद इसकी हम फुल्कियाँ बनानी शुरू करेंगे। 30 मिनट गुजर चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और तैयार होंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े तैयार हैं हमारे, अब हम इसको बेल लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक कर ले। अब कोई सा भी आप सांचा ले लें और उसको इस तरह रख के प्रेस करें, ताकि आप जिस जो शेप चाह रही हैं वो बन जाए। ये देखें, शेव हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जल्दी से फुल्कियाँ नमकीन डालते जाएंगे। अब इसको निकाल लें जब ये गोल्डन हो जाए। मज़ेदार सी नमकीन फुल्कियाँ तैयार हैं। बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। स्पेशली ये शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ साथ इनको दही बड़ों के साथ आप यूज़ करेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फरीज़ किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए भी अमानत।